भक्तवृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई 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 गौरांग, निताई 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 गौरांग, जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि, जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि, जय सच्चिदानंदन जय गौर हरि, बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोल बोल हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल 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 हरि गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हरि। ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय बृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवती नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम बर गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णु श्री श्री श्रीमद सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का चरण, जब श्री अद्वैत आचार्य ने खूब रगड़ करके और धो करके चरणामृत भी लिया, महाप्रभु बड़े दुखी हो गए। बोले मन में आज इस आनंद नहीं मिल रहा है, लगता है किसने कुछ गड़बड़ किया है। इसलिए बोले सच सच बोल दो। अद्वैत आचार्य प्रभु बोले बोले प्रभु अगर आप साक्षात में नहीं देंगे तो चोरी करना ही पड़ेगा, अब तो साक्षात देते ही नहीं, उल्टा लेते हो मेरे चरण धूलि, हैं कहाँ दुनिया का मालिक। इसलिए प्रभु मैं चोरी किया हूँ, जो दंड देना मेरे को दंड दे सकते हो। इतने में महाप्रभु तो क्या किया है, महाप्रभु तो एकदम हट्टे कट्टे 24 साल की उम्र है महाप्रभु, और श्री अद्वैत आचार्य उम्र में ज्यादा है। महाप्रभु भगवान को सामने कहा अद्वैत आचार्य, खूब उन्होंने उनका चरण को रगड़ करके महाप्रभु खूब उनका चरण धुल लिया है। चोर का तो रोज रोज और गृहस्थ का एक दिन है, है? चोर का रोज रोज और गृहस्थ का एक दिन में सब कुछ निकाल देता है, है? इसलिए यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु ने कहा देखो कहते विश्वंभर बोले तुम्हें भक्ति र भंडारी एतेक तुम्हारे चरण चरण सेवा करी, कहते तुम कौन हो, बोले भक्ति के तुम्हें भंडारी हो, है? इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं अनुब्रजामि अहम नित्यं पुए एद अंग्र रेणु, कहते भक्तों का पीछे 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 में चलता हूँ। बोले क्यों, बोले भक्तों का चरण धुली पानी, बोले किस लिए भक्तों का चरण धुली पाना चाहते हो, बोले भक्तों का चरण धुली लेने पर मैं पवित्र बन जाऊंगा, है भगवान स्वयं कहते। बोले भक्त बनना बड़ा सख्त है, भक्त बनना इतना आसानी बात नहीं, भक्त बनना भगवान जिनकी चरण धुली स्वयं लेते इतने आसानी बात नहीं भक्त बनना है, हैं? इसलिए कहते मैंने तुमको भंडारी बनाया है, इसलिए जब तुम्हारी चरण धुली किसको मिलेगा ना, जरूर उसको भगवत भक्ति मिलेगा, और भक्त के चरण धुली के बगैर कभी किसको भक्ति मिल नहीं सकता है। और भक्त मेरे को जहाँ बीक देता है मैं वहीं बीक जाता हूँ, जैसे सत्य भवा कृष्ण को बेच दिया, किसको पास में बेच दिया, नारद जी को पास में बेच दिए, हैं? जब सूर्य ग्रहण में नारद जी गए, नियम है सेमंत पंचक में ब्रह्म कुंड में स्नान करके साधु संतों को कुछ देनी चाहिए, साधु संतों को कुछ देनी चाहिए, इसलिए नारद जी बोले देखो ऐसे नहीं साधु संतों को कोई घटिया चीज दे तो सबसे बढ़िया चीज देनी चाहिए। बोले मेरे तो बढ़िया जगन्नाथ है, मेरा तो बढ़िया सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ कृष्ण को, बोले दे दो फिर, बस उन्होंने तो कृष्ण को दान दे दिया, कृष्ण को बेच दिया। बोले भैया तुमने मेरे को दान दे दिया, मैं तो साधु संत आदमी हूँ, अभी कृष्ण मेरा का चेला बन गया, अभी तो मुड़ मुड़ा करके चोटी रख करके बस उसको साधु का ड्रेस पहना करके गले में कंठी तिलक लगा करके चलो चेला मेरा, हाँ गुरु जहाँ जाएगा चला वही चलेगा, चलो साथ में। बोले प्रभु हम तो कृष्ण को छोड़ के रह ही नहीं सकते। बोले तुमने बेच दिए दान दे दिया, जब दान दे दिया कृष्ण भी मेरा हो गया। बोले प्रभु ऐसे हो नहीं सकता, हम तो कृष्ण के बगैर रह ही नहीं सकते। बोले फिर तो
कुछ इनके बराबर कुछ सोना चांदी देकर लो है लेकर के दो। इसलिए यहाँ पर कहते भगवान स्वयं कहते तुम्ही अमा जथा बेचो तथा बिकाई। भक्तों का भक्ति में इतने शक्ति है भगवान को भी भगवान क्या करते बेच देते हैं, भगवान बिक जाते हैं। इतना भक्ति की बल है, इतने भक्त की बल, इतने भक्ति हैं। इस सब चीज को देख करके ना महाप्रभु का अद्वैत का प्रति इतना कृपा को देख करके जितने भक्त लोग थे बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, बोले श्री अद्वैत आचार्य की जय, सब लोग जय जय जयकार करने लगे। तो इसको बाद में कथा आती है श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी की कथा आती है। कहते सम्मुखे देखे शुक्लांबर ब्रह्मचारी अनुग्रह कर तारे गौरांग श्री हरि। सामने उन्होंने देखा शुक्लांबर ब्रह्मचारी, उनको देख करके महाप्रभु उनको पर में भी कृपा किया। तक तब उनके चरित्र को यहाँ बता रहे हैं, बोले ये नवद्वीप में वास करने वाले बड़े सुशांत है और अपना स्वधर्म में बड़ा निष्ठ है, हैं? लेकिन वो छुपे हुए रहते हैं, वो ये छुपे हुए रहते हैं, लेकिन इसलिए उनको कोई पहचान नहीं सकता है। करते हैं क्या, कहते भिक्षा करते हैं और भिक्षा करते हैं भक्तों घर घर में, कहते दिन में 10 घर में जाते हैं, 10 घर में जो कुछ उनको भिक्षा मिलता है उसको ला करके हैं क्या करते हैं रसोई बनाते हैं, रसोई बना करके ठाकुर को भोग लगाते हैं और भोग लगा कर उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बलते महत विचरणाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। कहते ये साधु लोग गृहस्थ घर में क्यों जाते हैं, है? साधु लोग गृहस्थ घर में क्यों जाते हैं, कारण क्या है? कहते महत स्वभाव यही तारित पामर निज कार्य नाही तो जान पर। महत का स्वभाव क्या है, कहते इनका स्वभाव है दूसरों को पर में कृपा करना है, इनका स्वभाव है। कहते अपना काम नहीं तभी कहाँ जाते हैं, किसी दूसरे के घर में जाते हैं और वहां से भिक्षा लाते हैं और भिक्षा वस्तुओं को भगवान को भोग लगा करके, ठाकुर जी को भोग लगा करके भोजन करते हैं। बोले किस लिए कारण किया, बोले कारण है महत विचरणाम नृणाम बोले गृहिणाम दीन चेतसा। कहते जो गृही व्यक्ति है उनका जो हृदय कैसे बोले बड़ा दीन चित्त है, दिन भर सवेरे से उठते ही घर में हल्दी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, चावल चीनी बस इसी में उनका दिन भर दिमाग इसी में ही घूमता रहता है। इसलिए गृह व्रत और गृह मेधी जिनका दिमाग में अपना बेटा बेटी नाती पोती को छोड़ कर और कुछ जानते ही नहीं और उसी में ही ड्रामे रहते हैं, हैं? और नाती पोती अगर कोई तोतली तोतली बात बोले ना ऐ उसको बोल बोल कर देखा कैसे तोतली तोतली पापा पापा मामा मामा कैसे बोल रहा था, बस उसी में ही दिन रात उसी चक्कर में ही उसमें जीवन बिता देते हैं। इसलिए बोले गृहांध कुपम है, इसलिए गृह को क्या बताया ये एक अंधा कुआ है, अंधा कुआ ये गृह है जिसमें केवल संसार की दुनियादारी की बात को छोड़कर के और कहीं भगवत चर्चा है ही नहीं। इसलिए कहते महत लोग क्यों जाते हैं, बोले महत स्वभाव यही तारित पामर, कहते पामरों को उद्धार करने के लिए भक्त लोग गृहस्थों घर में जाते हैं और एक बहाना बनाते हैं भिक्षा की, लेकिन जाकर क्या करते हैं भगवान की चर्चा भगवान की कथा सुनाते हैं घर घर में जा करके। जब मथुरा में थे जो गुरु जी थे गुरुदेव सबको बोलते थे भिक्षा जाने के लिए। जब मैं पहले आया बोले रसानंद जब आज द्वादश भिक्षा करने के लिए जाओ, बोले गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं जानता, बोले चिंता नहीं भक्तों के साथ में जाओ इनको साथ में जाओ। वो क्या देते हैं मथुरा में थोड़ी सी आटा थोड़ी सी चावल थोड़ा चीनी थोड़ा हल्दी ऐसे थाला में सजा सजा कर देते। हम लोग घर 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 में जाकर जाते थे और गुरु जी बोलते थे ऐसे नहीं गए और भिक्षा लेकर चले आए, बोले नहीं भिक्षा की बहाना से प्रचार होगा भक्त लोगों को घर में जाने पर, नए नए भक्त लोगों के साथ में प्रचार होगा, उनको हरि कथा बोलना उनके भजन की उपदेश उनको देना है। इसलिए उस समय से बन महाराज थे भिक्षा में जाते थे, भक्तिसार महाराज भिक्षा में जाते थे जाकर क्या बोलते थे उनको घर घर में कीर्तन रखते थे। और जब गुरुदेव मथुरा में थे ना दिन में इतना प्रचार मथुरा में हुई गुरुदेव का समय पर सोच नहीं सकते, दिन में दो दो तीन तीन प्रोग्राम आता
मंदिर में आने लग गया गुरुदेव रहते समय। गुरुदेव स्वयं जाते थे हैं, और गुरुदेव क्या बोलते थे गृहस्थ घर, देखो आपका घर में आएंगे हम कीर्तन करेंगे हैं, हम कहे तुलसी पता दे देना, हम कहे के तो गुरुदेव आप क्या देना पड़ेगा, बोले कुछ नहीं एक तुलसी पता दे देना। गुरु जी कहते थे अगर आपके घर में अगर बैठने का कोई जगह अगर ये नहीं होगा हम अपना मंदिर से दरी ले जाएंगे। गुरुदेव कहते थे अपना घर यहाँ से दरी ले जाएंगे और आपका घर में बिछा करके बैठेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे फिर चले आएंगे। ऐसे गुरुदेव प्रचार किया मथुरा मठ में, घर घर में इतने प्रचार होने लग गया। गौड़ीय मठ का कीर्तन मतलब बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, और सचमुच से मथुरा के जैसे डोरीलाल है उधर बांके था, और करते 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 इतने इतने कीर्तन करने वाले लोग आए गुरुजी का समय पर, लोगों का बारी नंबर नहीं आता था, एक कीर्तन करने के लिए नंबर नहीं आता था, इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सबके सब आते थे, गुरुदेव सबको एक एक कीर्तन भजन बोलने के लिए देते थे, हिंदी भाषा में भजन बोलते थे हैं। फिर वहां पर गौड़ीय मठ का कीर्तन मतलब बाबा रे क्या प्रचार, गुरुदेव का इतना प्रचार होने लग गया। मथुरा मठ में गए हुए ना, वहां पर नाट्य मंदिर पहले छोटा सा था, छोटा सा था ठाकुर के सामने, इस तरफ में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का भजन कुटीर था। फिर वो जब भक्त लोग आने लग गया तो फिर घर को तोड़ देना पड़ा, तोड़ करके गुरुदेव ने पूरा नाट्य मंदिर बना दिया। लेकिन प्रचार करते 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 फिर उसमें लोग भरे ही नहीं, फिर क्या किया नाट मंदिर का इधर जो दीवाल था ना इस तरह का उसको भी तोड़ दिए, तोड़ करके जो सामने जो ट्रैक्टर बड़ा हुआ वहां पर भी लोग बैठने लगे। लास्ट में इतने भक्त, जब राधाष्टमी हो चाओ घर 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 में, जब जन्माष्टमी हो भगवान क्या भीड़ है, बड़े बड़े कलाकार लोग आते थे, गुरुदेव बैठते थे, ए रात भर कीर्तन होता था बड़े सुंदर। लास्ट में इतने प्रचार होने लगे जो पीछे जो घर है ना उसको तोड़ेगा नौ बताया गया, बोले उसको भी तोड़ना पड़ेगा, लोग अभी समा नहीं रहे। ऐसे गुरुदेव ने मथुरा में घर घर में जा करके, और हम लोग जाते थे और 11 बजे 12 बजे तक ऐसे कीर्तन होता था। फिर जब आते थे एक एक दो मील दो दो मील ऐसे, फिर ऐसे नहीं है रात में सब लोग सोए हुए हम लोग बाबा लोग कीर्तन मृदंग बजाते हुए कीर्तन करते करते आते थे, कीर्तन करते करते आते थे। इतने प्रचार हुई, कितने प्रचार हुई, इसलिए कहते महत स्वभाव ही तारित बामर। इसलिए नियम है क्या करनी चाहिए, घर घर में जा करके हरि कीर्तन हरि नाम घर घर में करनी चाहिए। इसको द्वारा क्या होगा, भक्त लोग बनेंगे, प्रचार होगा है, प्रचार होगा, इसलिए नियम है। इसलिए विशेष करके बोले ब्रह्मचारी का क्या नियम है, बोले ब्रह्मचारी का क्या नियम, उनका नियम है ब्रह्मचारी का रोज रोज घर से मंदिर से बाहर जानी चाहिए। अभी तो गुरु जी कृपा ये होटल कैसे गुरुदेव का भक्त ने कैसे होटल बना दिया, थोड़ा पैसा आ जाता है ये, लेकिन ये ब्रह्मचारियों का कहते विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन है ले मन नहाय कृष्ण रे भजन। नियम है मलिन है ले मन नहाय कृष्ण रे भजन, नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे, प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बताएंगे। नियम है ब्रह्मचारियों को घर से रोज बाहर जानी चाहिए, भिक्षा लानी चाहिए, उतना भिक्षा लाओ जो कि अपना गुरुजी अपना के लिए कम से कम भिक्षा लेकर के आनी चाहिए। घर में बैठने के लिए मना किया है ब्रह्मचारियों को, क्योंकि इनका वृत्ति ही भिक्षा वृत्ति है, हैं वृत्ति ही भिक्षा वृत्ति है। भगवान महाप्रभु तो भगवान है, भगवान है ना, फिर क्यों माधुरी करते थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सब कौन है, रघुनाथ के क्यों घर से पैसा आया, किसकी पैसा आया, रघुनाथ दास गोस्वामी का रखे उन्होंने, घर का पैसा को नहीं रखे, कुछ दिन ग्रहण किया, महाप्रभु जब देखा नाराज है उन्होंने, बोले जाओ घर में वापस चले जाओ हैं, घर में वापस चले जाओ भेज दिया, क्यों महाप्रभु ने को देखा महाप्रभु उसमें प्रसन्न नहीं है, हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी क्या करते हैं, भिक्षा करते हैं, भिक्षा करते इसलिए भिक्षा करते हैं, इसलिए लोग उनको क्या समझते, अरे साधारण भिखारी भीख मांगने वाले हैं, भीख मांगने वाले। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, कहते ये महत लोगों का जो महत विचर नाम निर्णाम गृह नाम दीन चित्त सा, गृह जो दीन चित्त व्यक्ति है उनको कल्याण करने के लिए घर घर में जाते हैं, भिक्षा की एक बहाना बनाते हैं। मूल उद्देश्य क्या है, प्रचार करना। ऐसे नहीं घर में गए भिक्षा दिया और झोली में भरे अब चौपड़ नहीं, उन भारी कथा सुना
आपको हरि कथा सुनाओ, घर घर में जाकर के हरि नाम करो, हरि कथा प्रचार करो, हैं, ये महापुरुष का धर्म है। इसलिए और जो कुछ उनको मिलता था भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाते थे। यहाँ पर कहते हैं बोले कृष्णानंद प्रसाद दरिद्र नहीं जाने, बलिया बेड़ाए कृष्ण सकल भवने। यद्यपि ये दरिद्र शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में इतने उत्फुल्ल रहते थे, इतने आनंद रहते थे, दुख क्या चीज नहीं जानते थे, क्योंकि दिन रात भगवान ही भजन करते थे। जो कुछ भिक्षा को द्वारा मिला उसको लाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, प्रसाद पाए, दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दिन रात भजन करते। इसलिए कहते ना वैष्णव संगत मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण प्रसन्न। इसलिए जब वैष्णव के साथ में रहेंगी, हर समय प्रभु का नाम कीर्तन भजन करो ना, बस उसी में ही हम डूबे रहते हैं। लेकिन जब वैष्णव के साथ में नहीं रहेंगे, हरि कीर्तन नहीं होगा भगवान का। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते थे गौड़ीय मठ में, ये जो हरि कीर्तन है, जो हरि कीर्तन है हर समय, इसका अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे गौड़ीय मठ से कभी बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं जो मथुरा गया ना, जब पहले मैं जो मथुरा गया, मैं तो देख करके ना सचमुच से गुरुदेव का जो प्रभाव था मथुरा में, सचमुच से जैसे अगस्त ऋषि है, मेरा एकदम पूरा अनुभूति होता था। जैसे भगवान राम जब चलते चलते वनवास में गए, जब उन्होंने श्री एक आश्रम में जब उन्होंने प्रवेश किया, देखा अगस्त ऋषि का आश्रम से ऊपर से एकदम प्रकाश है, और उन्हें क्या देखा, नेवला सांप चुमन कर रहे हैं, देखा एक हिरण शेर का जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहा है। उसको देख करके तो भगवान राम बोले, अरे ये क्या है, एक खाद्य खादक है, एक दूसरे का आहार करने वाले, लेकिन ये क्या है, नेवला सांप मुंह में चुंबन कर रहे हैं। अब बैल को देखा बाघ का सर के ऊपर हाथ पैर सर रखकर, समझ गए किसका आश्रम है, ये अगस्त मुनि का आश्रम है, हैं? इनके भजन के प्रभाव से, इनके भजन की शक्ति से ये आश्रम। इसलिए गुरुदेव जब मथुरा मठ में रहते थे ना, एकदम ऐसे परिस्थिति था, है गुरुदेव वहां तीन टाइम हरिकथा, सवेरे हरिकथा, शाम को हरिकथा, फिर आरती को बाद में हरिकथा। जैसे हरिकथा की नदी बहती है, और कोई गुरुवर्ग का तिथि आया ना, गुरुदेव स्वयं चार चार बार बैठते थे, स्वयं गुरुदेव चार चार बार बैठते थे कथा में, है बैठ करके सबको उत्साह देते थे, सिखाते थे, हैं हरि कथा सिखाते, श्लोक देते थे याद करने के लिए, गुरुदेव श्लोक, और सबको बोलते थे बोलो बोलो हरि कथा बोलो। इसलिए जब वहां पर गया बोले पावारी, चार चार बार हरि कथा, गुरुवर्ग कहते चार चार बार हरि कथा, मतलब हरि कथा की नदी बहती थी। इसलिए मैं देखा गुरुदेव का कथा है, अगर केवल कोई ध्यान से केवल सुन ले और कुछ नहीं, केवल एक मन से गुरु जी कथा जो बोलते बोल ध्यान से सुन ले, बड़े बड़े विद्वान हो जाएंगे, बड़े बड़े विद्वान हो जाएंगे केवल उनके ध्यान से गुरु जी की, जो केवल कथा सुन ले, केवल केवल कथा गुरु जी का सुन ले, ऐसे वहां पर थी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले कृष्णानंद प्रसाद दरिद्र नहीं जाने, बलिया बेड़ाए कृष्ण सकल भवने। हैं दरिद्र होने पर भी दरिद्रता का कोई प्रभाव नहीं, बोले कारण क्या, बोले कारण है हर समय कृष्ण भजन में मस्त है। इसलिए वैष्णव संगत मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण प्रसन्न। जब वैष्णव के साथ में रहेंगी, हरि कथा हरि कीर्तन हरि नाम होगा, उसमें क्या है, बस आनंद ही आनंद है कृष्ण कथा में। लेकिन जब कृष्ण कथा छोड़कर विषय कथा करेंगे, जितने दुख दुख विषय कथा में, जितने दुख दुख विषय कथा में, है इसलिए हरि कथा में ही आनंद, हरि कथा में ही। इसलिए तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋतम, भगवान की कथा नहीं वो अमृत है, श्रवण मंगलम। इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रभु भक्त के चिन्ह कठिन, कहते जो भगवान की जो भक्त हैं उनको पहचानना बड़ा कठिन है, उनको साधारण व्यक्ति उनको पहचान नहीं सकते हैं। कहते ये जो शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी ये कौन थे, कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहवतरी। ये कौन थे कृष्ण लीला में, कहते ये सुदामा विप्र, ये सुदामा विप्र थे, हैं? इसलिए वही सुदामा विप्र ही महाप्रभु को लीला को पुष्टि करने के लिए ये शुक्लाम्बरी ब्रह्मचारी बन करके आए, और महाप्रभु हैं
इतने में महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी को उन्होंने अपना ईश्वर के आवेश में आकर के बोले शुक्लांबर इधर आओ बेटा इधर आओ महाप्रभु ईश्वर के आवेश में बोले बेटा इधर आओ। तो महाप्रभु कहते हैं बोले दरिद्र सेवक मोर तुम्हें जन्म जन्मे हमारे सकल दिया तुम्हें भिक्षु धर्म। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात महाप्रभु कह रहे हैं। पहले आया ना श्रीधर का कथा में, श्रीधर कथा में आया क्या क्या आया बोले जो जो लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी का जो पति है उनको जो सेवा भक्ति करने वाली है भिखारी क्यों। और शंकर जी रहते बर्फ गोबर में है, नंगे धड़गे कपड़े कुछ है नहीं, और उनको पूजा करके विषहरी इधर उधर पूजा करके बड़े धन्य 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 है। लेकिन जो विष्णु भक्ति करने वाले बड़े दीन ही नहीं दरिद्र, कारण क्या है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं दरिद्र सेवक मर तुम्हें जन्म जन्म हमारे सकल दिया तुम्हें भिक्षु धर्म है। इसलिए भक्त क्या चाहते हैं, दीन ही नहीं होकर किसी तरह से भगवान की भक्ति कर ले, भजन कर ले। इसलिए कहते तुम्हें हमारे सकल दिया तुम्हें की करो सब कुछ भगवान को दे करके। और भक्त लोग क्या करते हैं एकदम सीधा साधा रूप में दे करके, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर, राजा घर के लड़के हैं, इंद्र तुल्य ऐश्वर्य जिस घर में, इंद्र के बराबर ऐश्वर्य जिस घर में, स्त्री अप्सरी जैसे, और प्राइम मिनिस्टर पद कोई साधारण बात है सनातन गोस्वामी। लेकिन क्या कर रहे हैं, साधारण छिड़ा काथा कंथा लेकर के एक एक वृक्ष पर नीचे एक एक दिन रह करके भगवान की भजन करते हुए, हे राधे ब्रज देवी के चललित, हे नंद दिन रात कृष्ण भजन में एकदम उसमें डूबे रहते थे, भक्ति में है उसमें डूबे रहते थे। इसलिए बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेतवान मद पुमान, ये सब जन्म ऐश्वर्य श्रुत क्या करता है, ये अभिमान देता है। इसलिए एकदम इसलिए यहाँ पर तुम सब कुछ मेरे को दे करके तुम्हें भिक्षु धर्म तुम क्या कर, भिखारी बन करके तुम रह करके भगवान की भक्ति कर रहे हो। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं बोले तुम्हें जन्म जन्म हमारे दरिद्र भक्त, कहते इसी जीवन में नहीं है, तुम इसी जीवन में नहीं मेरा हर अवतार में तुम आते हो है, जन्म जन्मा दरिद्र भक्त, कहते संसार प्रविष्ट हो वो संसारी होवार इच्छा नाई, कहते देखने के लिए लगता है संसार में है लेकिन हृदय में कोई भी संसार की कोई भी इच्छा है नहीं, विषय भोग का कोई भी इच्छा नहीं, संसार में रहते हुए भी बोले ब्राह्मण ब्रह्म पिता, कहते सुदाम प्रकैसे बोले ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं ब्रह्म पिता ब्रह्म तत्व को जानने वाले, संसार में रहते हुए भी संसार का कोई भी उनकी प्रभाव उनको पर कोई असर नहीं कर पाता था। इसलिए और ब्रह्मचारी रूप में क्या करते हैं जो भिक्षा द्रव्य सब कुछ मेरे को अर्पण करते हुए, कहते तुम्ही तुम कौन हो बोले परम हंस है, कहते ना हंस बोले क्या है कुटिचक बहुतक हंस परम हंस हंस परम, इसलिए कहते तुम परमहंस हो लेकिन परमहंस होते हुए क्या कर रहे हो तुम संसार में घर गृहस्थ में प्रवेश कर रहे संसारी में, परम हंस होते हुए भी तुम संसार में रह रहे हो और काय मन वाक्यों के द्वारा सब कुछ मेरे को अर्पण करके सब कुछ मेरे को दे करके हैं तुम प्रसाद सेवा करते हो और क्या करते हो भगवान की प्रसाद बगैर और तुम्हारी कहीं अभिनिवेश नहीं। बोले सुतराम बल प्रकाश करिया सर्व बोले तार जने तुम्हें गरीब, इसलिए सुतराम बल प्रकाश करिया सर्वस्व हरण करिया ची तार जने तुम्हें गरीब। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कह रहे, कहते ये सुदामा उनका नाम क्या है सुदामा, हाँ सुदामा, सुदामा मतलब क्या, सु मतलब बढ़िया, दाम मतलब होता है पैसा है, सुदामा मतलब जिसको पास में बढ़िया दाम, मतलब दाम मतलब पैसा, जिसको पास में बढ़िया पैसा है। लेकिन नाम से मतलब सुदामा, नाम से ही सुदामा, लेकिन साधारण रूप में क्या देखो गरीब। देखो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं, कहते मैंने क्या किया बल प्रकाश करके अभिमान को तोड़े, इंद्र को जब पता चला ये कृष्ण भगवान है, फिर जब उन्होंने सुरभि गाभी की अनुगत में आए आए तब उस समय भगवान क्या कहते हैं बोले जस्य अहम अनुगृह्णाम हरि से तद धनौषधि, मैं जिसको पर कृपा करता हूँ है ना उसका सब कुछ मैं हरण कर लेता हूँ, सब कुछ मैं हरण कर लूं, तद अधनम त्यजन्ति अस स्वजन दुख दुखिता,
संसार का लोग कब तक प्यार करते हैं, कहते आप कैसे हो जब तक जेब में पैसा हो, बोले आप कैसे हो जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन तुम कौन पैसा गन तुम कौन, ये संसार बड़ा विचित्र है। इसलिए कहते हैं, इसलिए भगवान क्या स्वयं कहते हैं, भगवान क्या कहते, इसको भगवान मैं कृपा करता हूँ, उसे सब कुछ हरण कर लेता हूँ, लेकिन जब सब कुछ हरण कर लेता हूँ फिर वो क्या करता है, फिर कोशिश में लग जाता है, अरे इस बार बिजनेस किया सब कुछ अपहरण हो गया, इसलिए नहीं और एक बार करें, फिर वो और एक बार करने के लिए कोशिश करता है। पर भगवान क्या कहते हैं, अगर मैं इसके ऊपर सही सही कृपा करना चाहता हूँ ना, मैं बीच में खड़े हो जाता हूँ साक्षात रूप में, अब बीच में खड़े होकर के उसको जो चेष्टा है ना, सारे चेष्टा को मैं नष्ट कर देता हूँ, सारे चेष्टा में इसको बर्बाद कर देता हूँ, अगर मैं किसको पर सही सही कृपा करना चाहता हूँ। इसलिए गुरुदेव कहते थे स्वामी महाराज, उन्होंने बहुत कोशिश किया स्टैंड होने के लिए, इतने लिखे पड़े थे, उन्हें इलाहाबाद में कपड़ा का दुकान भी खुला था, वो भी फेल। बाद में जो जो काम करने के लिए उन्होंने कोशिश किया ना, किसी काम में टिक नहीं पाए, लास्ट में मथुरा में आकर के विश्राम घाट में स्वामी महाराज जो हेमदस्ता होता है ना, हेमदस्ता में और जो जो जड़ी बूटी को लेकर के अपना हाथ में कूट कूट करके उसको दवाई बनाते थे, दवाई बना करके उसका पुरिया बना बना करके उनने कोशिश किया, उसको उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनने बहुत कोशिश किया। लास्ट में हमारे महाराज भक्त नारायण स्वामी महाराज एक दिन जब उन्होंने गया देखा छोटा सा घर में है, छोटा सा घर में और दवा कुट रहे, तब महाराज ने कहा आप कहाँ इतने अच्छे प्रभुपाद, बोले था अंग्रेजी अच्छी थी पढ़ाई, अब देखना उनका अंग्रेजी कितने सारे शास्त्र को ट्रांसलेशन ने किया, साधारण बात नहीं ट्रांसलेशन करना है, उनका अंग्रेजी देखो, एक दो तीन साइंटिस्ट उनको प्रश्न कर रहे हैं और एक साथ में उत्तर दे रहे हैं, साइंटिस्ट लोग प्रश्न कर रहे हैं और एक साथ में सबको उत्तर दे रहे हैं, विदेश में जाकर प्रचार करना कोई साधारण बात है, हैं? सब लोग फेल हो गए ये सक्सेसफुल हो गए। इसलिए लास्ट में हमारे महाराज जी गए, बोले आप इतने अच्छे अंग्रेजी जानते हो, इतने अच्छे प्रचार कर सकते हो, अब ये क्या कर रहे हो, हाँ इसको उसको कुट कुट कर दवा बना करके बेच रहे हो, चलो हैं चलो। तब महाराज ने शायद कुछ जब हरिप्रभु लेकर बोले इसको बिस्तरा बांध, इसका सारे बिस्तरा का बांध उनका मंदिर में ले चलो, महाराज उनको जोर जबरदस्ती मंदिर में लेकर के आए, हम मथुरा मठ में लेकर के आए, फिर वहीं पर रहे, फिर उनको प्रचार करने के लिए अलग झांसी भाष में भेजे जा प्रचार करो, फिर उनको धीरे 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 देखो क्या दुनिया में उन्होंने क्या किया है, सारा दुनिया में टहलका मचा दिया, और कितना बार उनका हार्ट अटैक हुई जब सीप में जा रहे थे, है उन्होंने स्वयं अपना जीवन चरित्र को लिखे। इसलिए महाराज जी हमारे महाराज स्वामी महाराज जी उदाहरण देते, इनका जीवन साक्षात रूप में जो जो कोशिश किया बनने के लिए कोई काम वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्यों, भगवान यहाँ पर स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले मैं सुतराम बल प्रकाश करेगा सर्वस्व अपहरण कर लेता हूँ, वो कोई चीज चेष्टा करने पर भी उनके में कोशिश उनको फलीभूत होने नहीं देता, बोले क्यों, उसको पर मैं कृपा करना चाहता हूँ, उसको मैं परमार्थ देना चाहता हूँ, सब काम में उसको फेल करके कहते उसको पूरा क्या करता हूँ, भिखारी बना देता हूँ, उसको मैं भिखारी बना देता हूँ और सब कुछ हरण करके फिर उसको, इसलिए कहते हैं यहाँ पर कह रहे हैं, कहते शुक्लांबर याद है, बोले किस बात की, बोले तब तुमने द्वारका लेकर के मेरे लिए चिड़वा लेकर आया था ना, खुद लेकर के आया था, बोले और जब लेकर के आया था और उस समय तो बगल में दबा कर रखा था, क्योंकि तुमने जब देखा ठाट बाट देखा द्वारकाधीश कहाँ और जहाँ पर 16,108 पटरानी जहाँ लक्ष्मियाँ इनकी थी, हाँ लक्ष्मी सहस्र सतसम मर्म सभ्य बानम, इतने लक्ष्मियाँ जिनकी चरण की सेवा हीरे जवाहरात से हैं द्वारकापुरी बना हुआ, भले मैं चिड़वा लेकर के प्रभु पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, लेकिन भक्त ने द्रव्य प्रभु गाड़ी गाड़ी खाए और अभक्त द्रव्य प्रभु उलट ना चाहे, भक्त का वस्तु भगवान बड़ा प्यारा है। इसलिए बोले भैया भाभी कुछ दिया ही नहीं, बोले नहीं, बोले बगले में क्या दबा कर रखे हो, बोले नहीं कुछ नहीं लगता है कुछ है, भगवान ने क्या किया जोर जबरदस्त छीन लिए, छीन करके पोटली को खोले और एक बार खाए, और कृष्ण दो बार खाए, जो दूसरा बार खा रहे थे ना लक्ष्मी ने क्या किया हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं प्रभु और नहीं, आपने दो मुट्ठी खा लिया ना उसको घर में सर्वस्व पहुंच गया,
आप तीसरी मुट्ठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाओगी प्रभु, और मत खाया करो। इसलिए महाप्रभु उनको कह रहे हैं, भले याद है कि नहीं है। इतने में महाप्रभु ने क्या किया, इसको बोल रहे, लेकिन शुक्रामल का जो झोली में है ना, वहां पर चावल था, है खूद था। महाप्रभु क्या कर रहे, वही जो कृष्ण लीला में जो किया था, जोर जबरदस्ती उनसे महाप्रभु खाने लग गए। हैं महाप्रभु खाने लग गए, इसको देख करके सब शुक्लाम्बर हाय हाय कर रहे, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो। हैं इसलिए शुक्लाम्बर के ऊपर में भक्त लोग ये कृपा देख करके सब लोग रोने लग गए। देखो शुक्लाम्बर के ऊपर में महाप्रभु का कितना कृपा है। तो महाप्रभु कहते शुक्लाम्बर, तुम्हारे हृदय में मैं नित्य निरंतर तुम्हारा हृदय में निवास करता हूँ। बोले तुम्हार, देखो यहाँ पर कितने बड़ी बात महाप्रभु कह रहे। अगर भगवान की कोई भक्त बन जाए ना, तो कितने बड़ी बात महाप्रभु कह रहे हैं भक्त के लिए। बोले तुम्हार भोजन है अमार भोजन, जब तुम भोजन करते हो ना, तुम भोजन करने पर बड़ा भोजन होता है। भोजन करते भक्त, क्योंकि भक्त का हृदय में भगवान बैठे हुए। बोले तुम्हार भोजन है अमार भोजन, और तुम्हें भिक्षा चली ले अमार पर्यटन। मतलब कितने बड़ी बात कह रहे हैं, जब जब मेरे शुद्ध भक्त घर घर में भिक्षा करते हैं, भगवान कहते तुम तो जाते हो भिक्षा करने के लिए, लेकिन तुम तो जाते हो, लेकिन मैं स्वयं पर्यटन करता, मैं भी कभी ये मत समझ तुम जाते हो, तुम घूमने पर मैं ही घूम रहा हूँ समझो, मैं ही दरवाजा दरवाजा जाकर जा करके भिक्षा मांगता हूँ। है तुम्हार ब्रह्म भिक्षा है अमार पर्यटन, अरे तुम्हारे दिलाम अमी प्रेम भक्ति दान, निश्चय जानी प्रेम भक्ति मोर प्राण। कहते आज मैं तुमको प्रेम भक्ति प्रदान करता हूँ, क्योंकि निश्चय जानी प्रेम भक्ति मोर प्राण, जो प्रेम भक्ति ये मेरे जीवन का प्राण ही है, मेरे जो प्राण जीवन का वो प्राण मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। सब वैष्णव लोग देख करके बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी की, निताई गौर ब्रह्मानंदे। फिर यहाँ पर हम कल सुनेंगे, फिर ये कमलानाथ रे वृत्त घरे घरे मांगे, ये फिर कमलानाथ का वृत्त होकर के भगवान का वृत्त घर घर में भिक्षा की मांगते। ये महाप्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ देखो आज है, हाँ देखो आज श्री लोकनाथ दास गोस्वामी का आज तिरुभाव तिथि है। कहते श्री लोकनाथ दास गोस्वामी कृष्ण लीला में ये कौन थे, बोला कौन थे भैया, कौन बोलेगा। कहते ये मंजूलाली सखी है, है? महाकृष्ण लीला में ये मंजूलाली सखी थे। कहते ये महाप्रभु ये सड़ गोस्वामी से पहले है जो वृंदावन में कौन आए, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी आए, और उन्होंने वृंदावन के सारे बन बन में भ्रमण किया। लास्ट में कहाँ पर थे, खैरा, यहाँ पर खैरा है, है? वही खैरा में वहीं पर रह करके लोकनाथ दास गोस्वामी वहीं पर भजन करते थे। भजन करते वहां पर एक संगम कुंड, वहां पर कुंड है ना, संगम कुंड। एक दिन जब उन्होंने पानी में उन्होंने डुबकी लगाए, डुबकी लगाए तो उनको हाथ में श्री राधा विनोद जी आए। जब विनोद जी आए ठाकुर जी आ करके, देखो ये तो कृष्ण लीला में सखी है ना, मंजूलाली सखी, सख्या ठाकुर जी इनसे बात की। बोले देखो मैं बड़े दिनों से ये कुंड में पड़ा हुआ था, हैं, इसलिए मेरे को बड़े भूख लग रहा है, कुछ खाना बनाओ। तो उस समय क्या घर घर में जाकर माधुकर लेते थे, हैं, सूखा चूना लेते थे, तो उन्होंने रोटी बनाए, रोटी बना करके और कुछ सब्जी फब्जी इधर उधर जंगल का जो पेड़ पौधा में जो साग मिलेगा बना कर ठाकुर को जो भोग लगाए। बोले बगैर चटनी से खाना जाता है, खाया जाता है, और थोड़े चटपटी तो होनी चाहिए, थोड़ा चाटनी वाटनी। फिर वो कहाँ से लाएंगे इमली पत्ता का पत्ते को, हाँ इमली पत्ते की उन्होंने नमक देकर चाटनी बनाई, ठाकुर को दिया। ठाकुर जी खा खा करके बोले देख बड़े दिन से पानी में पड़ा हुआ था, सोया नहीं, मेरे को नींद आ रहा है। तो उन्होंने पेड़ से सुंदर सुंदर फूल लाए, सुंदर उन्होंने सज्जा बनाई, ठाकुर को सुलाए। बोले नींद नहीं आ रहा है, थोड़ा पंखा झुला दो, थोड़ा पंखा। तब उन्होंने कोमल कोमल पत्ते ला कर ठाकुर को पंखा झुलाए। फिर बोले देखो प्यार में दर्द हो रहा है, थोड़ा तो प्यार दबा दो, फिर प्यार दबा दो। तो उन्होंने प्यार दबाया तो ठाकुर जी एकदम निश्चिंत होकर ठाकुर जी सो गए। इसलिए कहते कभी कहता है भगवान खाते नहीं
बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं। हमारे गोस्वामी को जीवन में देखो, हर गोस्वामी को साथ में तो ठाकुर जी नई नई ठाकुर जी लीला की है, ठाकुर जी सब कुछ करते। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जब आए तब उन्होंने देखा गुरु जी किसको बनाए हैं, भ्रमण करते 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 जब लोकनाथ दास गोस्वामी के पास में पहुंचे, उनको गुरु जी रूप में बनना उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, मैं किसको चला नहीं बनाऊंगा। फिर देखा गुरु जी को संतुष्ट कैसे करे, राजा की बेटा होते हुए भी अपना हाथों से उन्होंने गुरु जी की मल मित्र को उन्होंने परिष्कार किया है। परिष्कार करते समय जब लोकनाथ दास गोस्वामी ने देखा, बोले तू मेरे को अपराध क्यों मनाते हो, बोले गुरुदेव आपको तो मैं अपना गुरु मान चुका हूँ, इसलिए आप मेरे को शिष्य रूप में ग्रहण करना नहीं चाह रहे हो, इसलिए मैंने सोचा आपको कैसे हम प्रसन्न करें, सेवा को द्वारा ही किसको हम खुश कर सकते हैं, लेकिन आपको तो कोई सेवा की जरूरत नहीं कि उन भिक्षा लाए रोटी बनाए भोग लगा खा लिए, इसलिए सोचा कौन सा सेवा मैं करूँ, इसलिए गुरुदेव मैंने ये सेवा किया। बात संतुष्ट हो गए, फिर उनको दीक्षा मंत्र दिए, दीक्षा मंत्र दे करके फिर उन्होंने एक दिन हरिनाम कर रहे थे, माला करते करते जब कर रहे थे, एक दिन एक कोई किसान आ गया, उनने पानी मांगे, पानी मांगे तो उनने क्या किया, माला जो कर रहे थे माला को रख करके उन्होंने किसान को पानी दिया। वहां पर गुरुदेव देख रहे थे, लोकनाथ दास गोस्वामी वहां पर देख रहे थे, देख करके तो गुरु जी तो बिगड़ गए, बोले क्या तुम हरिनाम कर रहा था, हरिनाम करना मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा दिया है, बोले हरिनाम करना मतलब क्या है, कहते अभिन्नत्वात नाम नामिना, भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, नाम कर रहे मतलब है ठाकुर जी का हम सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं। असाधारण कोई किसान आया पानी मांगे और तुमने क्या किया, माला को रख कर पानी देने लग गया, मतलब भगवान की सेवा से किसान का सेवा बढ़ा है, लगता है अभी तुम्हारी कर्म में रुचि है, इसलिए जाओ तुम सबको जो प्यासा लोग हैं उनको जो पानी पिलाओ, जाओ पानी पिलाओ उनको, वहां से उनको उन्होंने वहां से निकाल दिया। तो वहां पर तो गुरुदेव कहते भैया इसका मतलब क्या है, लोकनाथ दास गोस्वामी तो चंपक मंजिल, कौन सा मंजिल, अरे हाँ लोकनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, कौन मंजरी, चंपक मंजरी है, इसलिए वो तो मंजरी, लोकनाथ दास गोस्वामी ये तो मंजुलाली सखी, कहती दोनों ही नित्य सिद्ध परिकर है, फिर उनको अपराध कैसे हो सकता है, अब गुरुदेव उनको निकाल कैसे सकते हैं, हैं गुरुदेव कैसे निकाल कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव उनको पता है कि नरोत्तम दास ठाकुर कौन और भविष्य में क्या कर सकता है, इसलिए इसका गुरुदेव कहते थे इसका तात्पर्य है, बोले जाओ कवे जीवे दया है वे उदय निज सुख भुली सुदीन उदय, उसके बाद में बोला भकत विनोद करिया विनय से आज्ञा टहल करी व प्रचार, इसलिए मानो गुरुदेव ने कहा जाओ इस जगत में जो कृष्ण भक्ति के जो प्यास है उनको तुम कृष्ण भक्ति का पानी पिलाओ है, इसलिए उन्होंने गए और मणिपुर में ऐसे उन्होंने प्रचार किया ना, वाह वाह, उनको पहले तो राजा को ही उन्होंने चेला बना दिया है, राजा को ही चेला बनाया, और राजा अगर चेला बन जाएगा पूरा राज्य सबके सब इनके चेला बन गए हैं पूरा के पूरा, और उन्होंने सबको भक्ति रस बंदा के इनमें डूबे दिए। इसलिए आज श्री लोकनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव है, इसलिए महाप्रभु का ही मामा लगते थे, इसलिए हम सबको ऊपर में वो आशीर्वाद करे कृपा करे, जैसे हम किसी ना किसी तरह से एक जीवन गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए हमारे जीवन जैसे बीत जाए। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सपार्षद जय गौरहरी सपार्षद जय गौरहरी जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्र जय जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्र देवी जय सुदर्शन जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल
अच्छा जय देव राम जय 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 जय